हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ गुलदाउदी के सुंदर से फ्लावर से, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, तीन फ्लावर्स आपस में जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, इस साल जितने भी फ्लावर्स आए हैं सब येलो ही आए हैं, पता नहीं कैसे कटिंग्स लगी हैं। और ये फर्स्ट फ्लावर अभी आज मुझे दिख रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि शायद पिंक कलर के निकले, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास सभी पिंक थे और कोई कलर था भी नहीं। और कुछ नए परचेज़ किए थे येलो वाले, तो उन्होंने एक बार फ्लावरिंग की थी और उनकी फिर मैंने कटिंग्स लगा दी थी। और ये देखिए, ये पिंक वाले भी निकल आए। ये अभी दो ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर वाला ही है जो मैंने कटिंग्स लगाई थी। और अभी जब ये खिलने लगेगा तो मैं इसे कल परसों में नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तेज़ धूप होने लगी है बालकनी में। और एक गोल्डन कलर का निकला है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये गोल्डन येलो निकला है, पहले भी एक मैंने नीचे ले जा के रख लिया था ये गोल्डन येलो, और बाकी के सभी लाइट कलर के येलो निकले थे। तो ये वाला भी अभी तैयार हो रहा है, बस इसमें भी बहुत सारी कलियां भी हैं और अभी ये एक ही फ्लावर खिला है, तो कुछ दिन में इसको भी नीचे ले जाऊंगी। और बाहर बाउंड्री वॉल पर रखे हुए सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऊपर बालकनी में तो लोगों को भी कम दिखते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता। ऊपर मुझे ही देखने आना पड़ता है, वैसे तो नज़र नहीं आते, तो नीचे अगर बाउंड्री वॉल पे रखती हूँ तो बहुत ही प्यारी लगती है बाउंड्री वॉल। और इधर मेरे पिटूनियास सब बड़े अच्छे से फ्लावरिंग पे हैं, देखिए सारे ही। और दो मैं ऑलरेडी नीचे ले जा चुकी हूँ, अभी यहाँ पर भी तीन हैं जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। एक ये वाला भी है और इसके साथ में ये वाला भी, तो ये भी तैयार हो रहे हैं। इन सबको मैं फिर जब ये फ्लावर्स और थोड़े से आ जाएंगे इसमें, तो इन्हें नीचे ले जाऊँगी और यहाँ पर कुछ दूसरे प्लांट्स ला के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, नीचे मेरे मेन गार्डन में तो मैं आपको रोज़ प्लांट्स अपने दिखा रही हूँ, खूब अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और बाउंड्री वॉल पे भी पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक मैंने छोटे से पॉट में एक रखा हुआ है रोज़ प्लांट, तो उसमें भी देखिए कितनी मोटी बड आई हुई है, अब छोटा सा प्लांट है ये। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो मेरे देसी वाले कलेंचो, और देखिए इन्होंने भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया और खूब सारे बंचेस में फ्लावरिंग हो रही है। ये वाले देखिए, ये तो खिल गए हैं और साथ साथ और भी खिल रहे हैं, और यहाँ भी कितने सारे बंचेस लगे हुए हैं। और ऊपर दो पॉट में है ये, और मेरे मेन गार्डन में तो बहुत सारे हैं, बट उनमें एक दो में ही अभी कलियाँ हैं, बाकी अभी नहीं खिले हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप ही नहीं आती थी, तो बहुत ही कम धूप मिलती थी, तो यहाँ बालकनी में मिलती रहती, तो इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये कलेंचो देसी वाले कलेंचो हैं, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और सारे बंचेस में खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, खूब सारे बंचेस इस बार लगे हैं और बिल्कुल नो केयर प्लांट है, इतनी ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती। और देखने में ये अगर फूल नहीं भी आते तो भी फ्लैशी लीव्स इसकी बहुत ज़्यादा बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इस बार फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में बात करते हैं। ये मैंने देखिए यहाँ छोटे से इस प्लांटर में लगाया हुआ है, ये प्लांटर भी नहीं है, एक थर्मोकोल का बॉक्स था जिसमें कुछ आया था, शायद आइसक्रीम आई थी और उसी में मैंने लगा दिया था, क्योंकि जड़ों वड़ों का इतना कोई इशू नहीं होता इनका। तो ये इनमें बस मैं पहले तो मैंने गोबर खाद दी और वर्मी कंपोस्ट दी थी, वो भी 20 दिन में 25 दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हर हफ्ते में देती रही हूँ, और कभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र, और कभी मैं जो किचन में और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो पेल्स बचते हैं उनसे जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है आपको शो करती रहती हूँ, तो वही देती रहती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मेरे तो सभी फ्रेंड्स के यहाँ मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के जिनके यहाँ धूप आती थी उनके तो सब फुल ब्लूमिंग पे हैं, लेकिन मेरी ये देखिए कलियाँ अब खिलनी शुरू हुई हैं, लगे बहुत सारे बंचेज हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन कलियाँ अब खिलनी शुरू हुई हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रेड कलर के बीच में ये ग्रीन कलर की पत्तियों के बीच में। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है, पत्ती से भी लग जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इनको मैंने तो खैर पत्ती से नहीं लगाया, नीचे गार्डन में तो लगाई हुई हैं मैंने पत्तियाँ भी, बट इतने सारे प्लांट्स हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं होती। और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट किए हैं, क्योंकि मेरे पास ये कटिंग से मेरे को लगाने का शौक है प्लांट्स, तो मैंने बहुत सारी ढेर सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं नीचे भी, और एक टायर प्लांटर भी आपको शो किया था उसमें भी बहुत सारी लगाई हुई, तो मैं तो उनमें में से कटिंग्स ही निकाल के दे देती हूँ। तो पत्ते से मैंने ग्रो करके देखा है और ग्रो हो जाता है, रूट्स आ जाती हैं,
लेकिन मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो किसी फ्रेंड से लेके और इसको पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी अभी पत्ती से आप ग्रो करेंगे तो अभी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा क्योंकि इसका सीज़न निकल जाएगा तब तक। तो कटिंग्स तो आप अभी भी लगा सकते हैं और अगर फ्लावरिंग नहीं भी होती तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने तो ये लास्ट ईयर भी दिखाए थे, लास्ट ईयर इतनी फ्लावरिंग नहीं थी इसमें, लेकिन इस साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं ये सारे के सारे। और मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो ज़रूर हफ्ते में एक दिन दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। जब दूसरे प्लांट्स को देते हैं आप फर्टिलाइज़र तो इसको भी दे दीजिए, तो सबके साथ में इसको भी दिया जाता है। और एक जो हाइब्रिड वाला कलंचो होता है उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो भी कटिंग से ग्रो किया था तो उसमें कोई अभी फ्लावरिंग नहीं हुई। वो नीचे है ग्राउंड, उसमें मेरे मेन गार्डन में, वो कभी फिर शो करूँगी तो उसमें देखते हैं। मुझे कलर भी नहीं पता, शायद पिंक कलर था उसका, तो कटिंग ही लगी हुई है अभी तो उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन ये वाले मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स, तो इसी तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं लगाया हुआ है तो अभी भी किसी फ्रेंड के यहाँ से और जो अगर मेरे आसपास हैं तो मेरे से ले जाइए, मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं, और लगा लीजिए और पूरा साल भर बना रहता है ये प्लांट। और ख़रीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देसी वाला कलंचो तो खासकर कोई भी कटिंग दे देगा, ये बहुत जल्दी फैल भी जाता है। और गर्मियों में फिर इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस जैसे ख़राब होने लग जाती हैं तो उनको कट कर दीजिए, हटा दीजिए और फिर से कटिंग ग्रो कीजिए। मैंने, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, मैंने इसको गर्मी में भी ग्रो किया और बड़े अच्छे से ग्रो हुई है, कोई कटिंग इसकी मरती नहीं है। तो इसको किसी भी सीज़न में आप लगा भी सकते हैं। और मैंने वैसे मोस्टली गर्मियों के दिनों में ही लगाई थी, फिर जुलाई के मंथ में भी लगाई थी, तो इस तरह से मेरे पास तो बहुत सारी कटिंग्स हैं इसकी। और अगर इसको बास्केट में लगाते हैं तो बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। एक्चुअली ये बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है, बास्केट प्लांट या एक तरह से, ये बहुत ज़्यादा हाइट तो होती नहीं है, इधर उधर फैल जाता है। तो इस तरह से आप भी ग्रो कर लीजिए। और ये एक सकुलेंट ही है तो इसकी जो पत्तियाँ देखेंगे ना आप, इसमें फ्लैशी सी होती हैं, इसमें पानी रहता है इनकी स्टेम में भी और पत्तियों में भी, तो बहुत ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी सूख जाए तभी ग्रो कीजिए और तभी पानी डालिए, और बाकी कुछ इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पानी डालने का वक्त नहीं है तो ये मरेगा नहीं, बहुत अच्छे से चलता है। और किसी भी छोटे से छोटे प्लांटर में भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप बड़ा सारा पॉट परचेज़ करें या स्पेशली मार्केट से लेके आएं। किसी भी डब्बे में, पॉलीथीन में, मैंने तो टायर में भी लगाए हुए हैं, और छोटे छोटे जो बॉल्स वगैरह होते हैं उनमें भी लगा रखे हैं मैंने, तो ये सब में ग्रो हो जाता है, कैसे भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। बट अच्छा यही रहता है कि पानी ना रुके मिट्टी में, तो एक अच्छी क्या कहते हैं, सिर्फ मतलब मिट्टी ऐसी बनाए जो चिकनी ना हो कम से कम, वैसे ये हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। तो वेल ड्रेन्ड सॉयल ही सबको जैसे वो और प्लांट्स की बनाते हैं तो इसकी भी बना लीजिए। तो बस इसी तरह से आप भी इसको बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और मोस्टली मेरे फ्रेंड्स के यहाँ, जितने गार्डनर्स मेरे फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ, तो ये सबके यहाँ लगा ही हुआ है और इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आप लोग भी लगा लीजिए, जो न्यू कमर्स हैं, जो नई नई गार्डनिंग जिन्होंने शुरू की है, आ जाइए मेरे पास, मुझसे ले जाइए कटिंग, या फिर आसपास में आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे ले लीजिए। और बहुत ही प्यारा प्लांट है तो लगा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।